चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया है शराब पॉलिसी को। ऐसा है, ये इनके कर्म है। जो सरकार की नीतियां होनी चाहिए, जिसका वादा केजरीवाल जी ने किया था, उस वक्त उन्होंने बड़ी सहानुभूति ली थी लोगों से, लेकिन वो नीतियां सारी गलत निकली हैं। उन्होंने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया और ना करने की कोशिश की है, और अपने हठ की वजह से वो बाकियों को जेल भी जाना पड़ रहा है। हो सकता है इनमें से कोई शरीफ हो, लेकिन इन्हीं के कारण सबको जेल जाना पड़ रहा है। और इनका नंबर अब है, डेफिनेटली इनका नंबर आएगा, क्योंकि इनका झूठ हमेशा रहा है और इनकी नीतियां भी हमेशा गलत रही हैं। राघव चड्ढा पंजाब के सांसद हैं और कह रहे हैं कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम पंजाब को आगे ले। वो वहाँ पे ये बहकावा है। राघव चड्ढा जी जो नीतियां हैं वो केजरीवाल के साथ ही मिलती हैं। ये सारी इंस्टिगेशन जो है वो केजरीवाल की है। राघव चड्ढा जो है ये सारे इनके पिट्ठू हैं और केजरीवाल मेन इनका हीरो है, और वही उन्हीं की नीतियां चल रही हैं, उन्हीं की बूस्टिंग चल रही है, उनकी इंस्टिगेशन चल रही है। कहा जाता है सर कि हम दिल्ली और पंजाब को चमकाने का काम कर रहे हैं, पर हमें रोक रही है केंद्र। पंजाब में अगर कोई आज देखे, पंजाब में मेरे बड़े रिश्तेदार रहते हैं, सारा काम जो है वो पंजाब में इंस्टिगेशन और गलत नीतियां वहां भी हो रही हैं। वहां पे ड्रंक होके, ना तो ड्रग वहां पे छूटी है, ना पे शराब छूटी है, बल्कि शराब को भी वहां ज्यादा वो दिया गया है, प्रेफरेंस दी गई है। तो ये केजरीवाल की जो नीतियां ना, ये इसकी अपनी नीतियां हैं, सरकार की नहीं है। एक अच्छी सरकार होती है, वो सबकी सबको लेके सुनता है, अपनी पब्लिक को भी लेके सुनता है, लेकिन ये इसकी नीतियां जो हैं वो सरकार की नहीं है, इसकी अपनी नीतियां हैं, पर्सनल है। चमकाने की बात करते हैं, और पंजाब को लेकर ये वादा किया गया था कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, पर आज क्या हो रहा है? तो नशा तो ज्यादा हो रहा है ना, आप वहाँ की पब्लिक से पूछें, अगर वहाँ के व्यूज ले, वहाँ की जनता के व्यूज लें, वहाँ के जितने जर्नलिस्ट हैं उनके लें, कुछ लोग डरते हैं कि क्योंकि पंजाब में अब सरकार इनकी आ गई है फुल फ्लैश, जिसमें पुलिस भी है, तो उसके कारण वो थोड़ा नहीं बोलते। बट यही है कि जनता वहाँ की रो रही है, जनता को ये रुला भी रहे हैं और वो रो भी रही है, और नशा जो है वो ज्यादा हो गया। सांसद होने के नाते वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, तो इन दोनों चीजों को कैसे देखें? देखना, देखो जनता जो है वो सारी जानती है, कितना बेकावा दे देंगे, एक साल दो साल, लेकिन जनता समझ रही है और उनको समझ आ रही है कि ये गलत है, ये सारी सरकार ही गलत है, उसकी नीतियां भी गलत है। जो वादे इन्होंने किए थे, इस तरह का होना चाहिए, मुझे एसी नहीं लेना, मुझे कार नहीं लेनी, मैं काफिला नहीं लूंगा, वो सारा गलत है, उल्टा है। सारी 45 करोड़ का जो घपला है वो आप देखिए कि कौन किसने एमपी हो या मिनिस्टर हो, कितने कांग्रेस के भी रहे हैं, मैं उनका भी कहूंगा, और बीजेपी के तो खैर वैसे ही सादगी में जीते हैं, लेकिन कोई भी बंदा जो है बड़े से बड़ा मिनिस्टर है, उसने इतना रेनोवेशन पे खर्च नहीं किया, जो ये अपने छोटे से बंगलों को इतना बड़ा बंगलो बना लिया और 45 करोड़ का खर्चा किया। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के जो बंगला है, जिसके ऊपर खुलासा हो रहा है, उस पर बुलडोजर चलने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये जनता के पैसे का, और पार्क में से यानी कि गार्डन को एक को काट के जिस तरीके से चीजें घर को बढ़ाया जा रहा है, तो उस पर बुलडोजर चल। देखिए ये तो जनता तय करेगी, हम कौन होते हैं ये कहने वाले, उनके यहाँ बुलडोजर होना चाहिए। ये जो सरकार है, सेंटर है, वो ये जानेगी कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये ईडी जो सीबीआई इंक्वायरी करेगी, तो क्या जो रूल है, जो कोर्ट का रूल है, कानूनी, हम तो संवैधानिक को जानते हैं, कानूनी कार्रवाई होगी और पक्का होगी। शराब घोटाले को लेकर दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भी खुलासा किया है कि शराब पॉलिसी जो थी वो अरविंद केजरीवाल का प्लान थी। इन दोनों मामलों पर क्या? मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये केजरीवाल कहता था कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, मगर इनकी जो पॉलिसी है उसके अंदर पूरा भ्रष्ट है। चाहे राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, ये सब मिले हुए हैं, सबने मिलके पैसे लेके ये पॉलिसी बनाई है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, कट्टर ईमानदार सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है बीजेपी। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब ये जब पकड़े जा रहे हैं तो ये बात ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हमें तंग कर रही है, मगर अब जनता भी जान गई है कि इन्होंने कितना बड़ा स्कैम करा है, जिस कारण से अब ये फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम है। कल राघव चड्ढा कह रहे थे कि हम जेल जाने और एफआईआर से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत।
अभी ये पता चल जाएगा जब इनको बुलाया जाएगा, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया है शराब पॉलिसी को। देखिए ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं, मिले सब हुए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस पूरे घोटाले का जो सबसे बड़ा सूत्रधार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, उनके बगैर कोई मतलब ये इतना बड़ा स्कैम हो नहीं सकता। अपने आप को कट्टर ईमानदार बना के दूसरों पे दोष देना बहुत आसान है। दिल्ली की जनता अब जांच चुकी है, इनका असली चेहरा दिल्ली के सामने आ चुका है, और अभी तो ये शुरुआत है। एक एक करके सब अंदर जाएंगे, और अगला नंबर सबसे पहला केजरीवाल जी का, जो अब जेल जाने वाले हैं। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, मोदी सरकार बढ़ती हुई ताकत को रोक रही है, पर हम सवाल उठाते रहेंगे, हम दिल्ली को चमकाते रहेंगे। किस चीज की इनकी ताकत है? दिल्ली को लूटने की ताकत है, आम जनता को पागल बनाने की ताकत है? कुछ नहीं है, ये इनको पहले से ही पता होता है कि हम जेल जाने वाले हैं। एक सिंपैथी कार्ड खेल के कि कल को हमारे साथ ये हो जाए, तो हमने तो आपको पहले ही कहा था जी हम पे FIR और हम जेल जाने वाले हैं। इनको सब पता है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसके कर्म कैसे हैं, उसको भुगतने ही पड़ेंगे। ईडी की तरफ से खुलासा किया गया है कि शराब पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की प्लान, ये तो स्पष्ट है। बगैर चीफ मिनिस्टर के जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का मुखिया होता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि बगैर केजरीवाल के सब हो? ये पूरी तरह से केजरीवाल के भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आप शुरू से देखो कि कचरी और करनी में जमीन का आसमान का फर्क है। इन्होंने कहा था मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना मैं कोई सिक्योरिटी लूंगा, लेकिन अगर आप व्यवहारिक मता में देखें तो इनसे बड़ी कोठी किसी ने नहीं ली। अभी हाल में देखा होगा जो धरना हो रहा है, ये इतना सारा पैसा जनता के टैक्स का इसने अपनी कोठी में लगा दिया। और जितने भ्रष्टाचारी जिनको एक कहता था कि भाई मैं सब भ्रष्टाचारी को जेल भेजूंगा और सबके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, लेकिन वो सारी बातों से मुकर गए। तो मेरा ये मानना है कि सब अगर हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई भ्रष्ट है तो केजरीवाल। लोगों से भी इस पूरे मामले पे बात करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो है वो सर ईडी की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है कि शराब पॉलिसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्लान था, तो उस पर क्या? देखिए दिल्ली के जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो हम मुख्यमंत्री दिए हैं ये सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। आज हम समझते हैं कि दिल्ली में जितने जनसंख्या है हमारे हिसाब से उतना दिल्ली में करप्शन कर चुका है ये मुख्यमंत्री। एक स्टेट के मुखिया होने के नाते उनको कम से कम शर्म करना चाहिए। 8 लाख का पर्दा लगाना, विदेशों से मार्बल मंगाना, पॉलिसी में जो ईडी ने बड़ा खुलासा किया शराब में, तो उनको कोई शर्म ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल बेशर्म मुख्यमंत्री है। शराब के बारे में खुला बात हो रही है और उन्होंने कह रहा है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे घोटाला नहीं हुआ तो आपके जेल में कैसे हैं आपके कार्यकर्ता लोग? जेल में अगर हैं तो आपके घोटाला नहीं हुआ तो आप छुड़ा के दिखाइए, फिर आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं है। ये तो बहुत बुरा और बहुत खतरनाक स्टेट के लिए जो बर्बाद कर जाएगा। आज दिल्ली में जो काम कम हो गया है इसका सारा श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री को। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तमाम जो लोगों की भीड़ है जो है वो यहाँ पर मौजूद है। गली गली में शोर है, केजरीवाल इस्तीफा दो। मेरा सभी से आग्रह, बार बार आग्रह कर रहा हूँ, प्रदेश का नेतृत्व हमारे बीच में और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के मुखिया को हमें अपनी आवाज